के मद्देनजर बीजेपी मोर्चेबंदी में पूरी तरह से जुट गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार को घेरने और उसकी विफलता को जनता तक पहुंचाने का काम पार्टी नेताओं ने शुरू कर दिया है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के चार दिग्गज पार्टी नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुखू सरकार पर हमला बोला। कांगड़ा में बीजेपी के चार सीनियर नेताओं ने एक साथ मोर्चेबंदी करते हुए कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला बोला। इसमें कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विपिन सिंह परमार, पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया, कांगड़ा सदर के विधायक पवन काजल और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर शामिल रहे। इस मौके पर विपिन परमार ने कहा कि 1800 कोविड वॉरियर, पंचायत कर्मचारी, एसएमसी शिक्षक, पटवारी और कानून गो सरकार से खुश नहीं है। 9 महीने की सरकार का ये हाल है, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल के प्रयासों से हिमाचल के पर्यटन को बूस्ट मिल रहा है। ऐसा ही हाल रहा तो कहीं लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव न कराने पड़ जाएं। 1800 कोविड के वॉरियर्स को निकालने का आदेश निकाल दिए गए। कैसी संवेदनहीन सरकार, जो कोरोना के समय जो कोरोना पीड़ित लोगों की चिंता करते रहे, वो आज चौड़ा मैदान में धरना दे रहे हैं। पंचायत सेक्रेटरी सड़कों के ऊपर और एसएमसी के टीचर सड़कों के ऊपर 9 महीनों में कभी चौड़ा मैदान, विधानसभा, सचिवालय, ऐसी सरकार की हालत आज तक इतने वर्ष हो गए हमने कभी नहीं देखी। यानी कुल मिलाकर के ये कांग्रेस की सरकार संवेदनहीन सरकार है। वही पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस सरकार पर कांगड़ा से भेदभाव करने का आरोप लगाया तो पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बड़ा जिला कांगड़ा, सारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर शिमला में, 5-5 कैबिनेट मंत्री वहां से, 6-6 मंत्री वहां से, और कांगड़ा के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, आज क्रेशर का रेट कहां चला गया? आज क्या गरीब आदमी एक घर भी डाल सकता है, एक लेटर डाल सकता है? और जो प्रोजेक्ट हम लेकर आए थे, फॉरेस्ट क्लियरेंस आए हुए आज 4 महीने से ऊपर हो गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर एक शेयर आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता जो लगभग 30 करोड़ के करीब आएगा। 4 महीने से वो फाइल कहाँ है? वो पैसा क्यों नहीं डिपॉजिट हुआ? वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आप तो 5 साल लगातार जो बयानबाजी करते रहे, आज उसके ऊपर आप इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे? अभी आप डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर देखेंगे इतना बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन वहाँ पे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के जो क्रेशर है वो चल रहे हैं। इसी तरीके से हमीरपुर के अंदर क्रेशर चल रहे हैं, सिरमौर के अंदर क्रेशर चल रहे हैं। केवल कांगड़ा एक ऐसा जिला है जिसमें सारे के सारे क्रेशर बंद कर दिए हैं, और उसके कारण से मजदूरों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लगभग कई बार जो फिगर भी आती है, यानी 20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इन सारे क्रेशरों के बंद होने के कारण से बेरोजगार हो गए हैं। आम व्यक्ति मकान नहीं डाल सकता, रेत और बजरी के जो मूल्य है वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। इस दौरान कांगड़ा सदर के विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल भी प्रदेश सरकार पर आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1500 रुपए देने के नाम पर प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम किया है। ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, इसका नाम नारी शक्ति बंधन। इस विधेयक से पास होने के बाद जो लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में 33% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वो पारित हुआ है। लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आते ही बीजेपी पहले अपना बिखरा कुनबा एक सांचे में ढालने में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से अभी तक कोई लीडरशिप और बीजेपी के सियासी हमलों का जवाब देने वाला सामने नहीं है। ऐसे में बीजेपी चुनावी रणनीति के मामले में फिलहाल कांग्रेस से आगे नजर आ रही है। कांगड़ा से विचित्र शर्मा की रिपोर्ट।